पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 15-20 साल से क्यों आ रहे हैं? मेरा सजेशन है कि एक आदमी को दो टर्म से ज्यादा ये सीईओ का पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। दो साल बाद फिर वही आ रहा है। कुछ बंदे 20-25 में, मतलब मैं 2001 में चेयरमैन था, वो आज भी सीईओ मेंबर है जी। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? उनको सबको रिटायर करना चाहिए, नहीं रिटायर करना चाहिए। हम खुद रिटायर हुए हैं जी। ये कुछ लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे फ्री होटल, फ्री खाना, ओवर 80 मीटर का, और जिनकी एक्सपोर्ट 200 करोड़ है वो कोने में पड़े। तो मेरा तो एक निवेदन है कि EPCH को अपनी कार्य प्रणाली को अब बदलना चाहिए। ये जो फ्री की रोटियां बट रही हैं ये बंद होनी चाहिए। हमारा ही तो पैसा है जो खर्च हो रहा है। हम चंदा देते हैं या सब्सक्रिप्शन देते हैं, चंदा तो नहीं कहूँगा, जो सब्सक्रिप्शन देते हैं उसी पे दूसरे लोग क्यों लड़ रहे हैं बार बार सीईओ का इलेक्शन? उसमें एक कारण यही है, वो लोग फ्री ट्रैवलिंग करते हैं ओवरसीज की, फ्री स्टैंड मिलता है, फ्री होटल मिलता है, फ्री होटल, फ्री खाना। हम लोग जब वहाँ DC ऑफिस में थे, DC हैंडीक्राफ्ट के ऑफिस में, तो ऑब्वियसली EPCH की टीम भी वहाँ पर थी और उनको भी पता, उनको भी उनके सामने ही हुआ ये सब कुछ। तो जैसे ही हम वहाँ से निकले और वैसे ही हमारी ऑपोजिशन पार्टी जो थी उन्होंने मैसेज डाल दिया कि हमने ये जो कंप्लेंट है ये हमारी तरफ से हुई है, और सबको उन्होंने ये मैसेज कर दिया कि हमने कंप्लेंट करी है, ये हमारे नज़र में आए, जबकि हम वहाँ ऑफिस में बैठे हैं, लेटर हमारे नाम से है, और जो लेटर हमारा नाम है, मेरे और इनके साइन है, साइन है हम दोनों। इन्होंने इलेक्शन कैंसिल किया, जल्दी हमारे भी तो इस बात से बोले जी, मैं हमारी डिमांड ये है कि पूरा इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों जी। अजय भाई साहब रह गए हमारे, सर हमने अपनी जो है से EPCH के CEO मेंबर के लिए अपना नामांकन भरा था, नॉमिनेशन, और पहले दिन से हमें बहुत बातें खटक रही थी, कभी ऑब्जेक्शन लग रहे थे, कभी कुछ ऑब्जेक्शन लग रहे थे कि ये आपके जो है कुछ ना कुछ गांधी होगी ज़रूर, लेकिन हमारी भी तीसरी आंख हमारे सारे लोगों की वो काम कर रही थी, और राजस्थान, दिल्ली, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर के जितने लोग थे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मास्टर हैं, वो लोग बराबर इसके नज़र लगाए हुए थे कि क्या पर कैसे ये लोग अपने वोट बढ़ा लेते हैं या बढ़ा लेंगे या बढ़ा देंगे, क्योंकि NSDL एक छोटी मोटी बॉडी नहीं है, EPCH एक छोटी मोटी बॉडी नहीं है, और कुछ लोग जो है वो साठ गांठ करके और इस ताक में लगे हुए थे कि हम इसमें वोट डाल लें, और वो चीज़ हमने पकड़ ली। एक दिन सुबह से मेरे पास फोन आता है कि आप अभी दिल्ली आ जाइए, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं नहाने जा रहा हूँ। बोले नहाओ मत, फौरन निकल जाओ, गाड़ी तुम्हें लेने आ रही है। मैं सीधा दिल्ली पहुँचा, सीधे उसके ऑफिस DC हैंडीक्राफ्ट, वहाँ जाके हमने मिस्टर झा से मुलाकात करी। मिस्टर झा ने जो है हमें बहुत गौर से सुना, सारी हमने आईपैड और कंप्यूटर से खोल के उनके सामने चार चम्मच डाल के बता दी, और उनसे कहा अभी देख लीजिए साहब, हम अब्दुल अजीम को, हमें जनाजे को अभी 200-300 वोटर से आपके सामने जिता देंगे, अभी डालते हैं वोट। जो लोग वोट नहीं करते रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि 100% वोटिंग ही नहीं होती, 60-70% होती है, 30-40% वोट जो है बाद में बच जाता है। वो क्या करते हैं, उन्होंने उसको निकाल लिया, दे गो इनटू द सिस्टम, वी सी एवरीथिंग, वी सी के दिस वोट इज नॉट बीइंग यू नो यूज्ड, तो वो सेकंड लास्ट डे से शुरू कर देते हैं अपनी प्रतिक्रिया या थर्ड से, कि 10-20 वोट हर जगह के शहर में अलग उससे आ जाएगा, तो IP एड्रेस सब आ जाएगा, सब कुछ खोल के आ जाएगा, तो फर्जी वोटिंग करते हैं, फर्जी वोटिंग हो रही थी, और ये हमने उनको प्रूफ कर दिया। हमने NSDL को सारे सबूत दे दिए, NSDL ने 2 घंटे इसका इन्वेस्टिगेशन किया, वो मास्टर माइंड होंगे, उनका फ़ोन आ गया और झा साहब ने हैंड फ्री में हमने सुना दिया सर हम कुछ, दिस इज प्रूफ,
कहाँ काम हो रहा है वो उन्होंने हमें लेटर दे दिया। हालांकि बहुत प्रेशर आया, बहुत फोन आए कि मत दो, ये करो ये करो ये करो। इधर हम भी जो है उन्होंने कहा हम प्रेस रिपोर्ट को बुला रहे हैं, प्रेसर्स को बुला रहे हैं, 50 एक्सपोर्टर आ रहे हैं और बॉडीज आ रही हैं पॉलिटिकल, तो बोले आप मत बुलाइए किसी को, हम आपको भी ले आए। उन्होंने हमें जो है प्रेशर में आके सही वक्त देख के हमारी सब बात को ऊपर दूसरी पार्टी की सुनी नहीं, उन्होंने बहुत दबाव डाला होगा क्योंकि भाई हम तो बच्चे हैं उनके सामने, तो दिखे जो है तो ये काम उन्होंने कर दिया। मैं एक चीज़ और सर, आप कैंसिल कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि थर्ड पार्टी पहले तो ऑडिट करे ईपीसीएच के जो रूल्स हैं और उन लोगों को सज़ा मिले जिन्होंने ये काम करा है, उन लोगों की वो लोग टर्मिनेट हों फॉर्म के नाम से भी और पर्सनल नाम से भी जिन्होंने काम करे हैं, और सारी गहराई जो है इसकी वो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनके हाथ में जाए, उसको पकड़ लेंगे। इसमें मेरा एक और सोल्यूशन है, हेमंत जुनेजा जी, हेमंत जी आज ये जो चुनाव आप क्या कहना है, आपको आगे क्या कार्रवाई करनी है? जब हमने एक डमी कैंडिडेट को का नॉमिनेशन कराया, वो डमी कैंडिडेट अंशुल अग्रवाल जी थे और उनका हमने नेक्स्ट डे में हमने उनका विड्रॉल भेजा एज पर नॉर्म्स, तो वो विड्रॉल उनका कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल हुआ, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि वो बाय हैंड डिलीवर हुआ। उसके नेक्स्ट डे हम डीसी हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में गए और इलेक्शन कमेटी के पास हमने जब ये बात रखी तो वो बिल्कुल मान गए कि आपका विड्रॉल फॉर्म आ गया तो ये कैंसिल होना चाहिए। हु हैज़ वाई डिड दे कैंसिल दैट विड्रॉल? सो दिस वॉज डन इंटेंशनली कि वो अंशुल अग्रवाल भी आए और मैं भी आऊँ लघु उद्योग भारती से और इधर से ये आए और हमारे वोट आपस में कटे। सो ये सब इंटेंशंस गलत हैं। भाई हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों से उभरना है। अब टाइम आ गया कि सबको जागरूक होना है और सबको इन चीज़ों से उभरना है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इलेक्शन दोबारा से हो और ठीक ढंग से हो और नए बायलॉज से हो और जो भी ये प्रॉब्लम हुई है, जो भी ये पकड़ी गई है प्रॉब्लम, इसकी इंक्वायरी करें।